नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में न्यायपालिका की। मध्य प्रदेश में न्यायपालिका क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह का संरचना होती है, प्रमुख तथ्य क्या हैं, परीक्षा उपयोगी तथ्यों की सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर देख लीजिए कि किस तरह का स्ट्रक्चर है मध्य प्रदेश में न्यायपालिका से संबंधित। तो अगर हम पहले भारत की या किसी भी राज्य के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे ऊपर जो होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद राज्यों में जो सर्वोच्च कोर्ट होता है, मतलब इम्पॉर्टेंट कोर्ट होता है सबसे बड़ा, वो है हाई कोर्ट। फिर संभागीय स्तर पर होते हैं कुटुंब न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट, जो फैमिली संबंधित विवादों के निपटारे के लिए होते हैं। फिर उसके बाद होते हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश। जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते हैं दीवानी और फौजदारी मुकदमों को देखने के लिए जिला स्तर पर। फिर होती हैं विशेष अदालतें, स्पेशल कोर्ट, जिनमें SC ST से जुड़े हुए मामले या भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों को देखा जाता है। फिर होते हैं रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट यानी राजस्व न्यायालय, ये होते हैं DM यानी कलेक्टर के, फिर SDM के, तहसीलदार के कोर्ट, ये सब राजस्व कोर्ट कहलाते हैं। फिर होते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाते हैं किसी भी मामले को तीव्र गति से निपटारा करने के लिए। फिर होते हैं ग्राम न्यायालय, जो ग्राम न्यायालय कहलाते हैं। इसमें प्रमुख रूप से गांव से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं, उनको, जो केस होते हैं, उनका निपटारा होता है। इसके बाद होते हैं लोक अदालतें। लोक अदालतें भी प्रमुख रूप से इसलिए बनाई जाती हैं कि इसमें समझौते के माध्यम से जो केस हैं उनका निपटान किया जाता है। अब मध्य प्रदेश में न्यायपालिका देखते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 237 के बीच में न्याय शासन के उत्तरदायित्व का प्रावधान मिलता है। यानी जो भारत में न्याय प्रणाली है उसका वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 237 तक के बीच में। चलिए अब देखते हैं MP हाई कोर्ट, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। तो संविधान में दिया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, आर्टिकल 214 में दिया है, या आवश्यकता पड़ने पर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है, आर्टिकल 231। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1956 में की गई थी, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उसके पश्चात। और इसकी दो बेंच हैं यानी खंडपीठ हैं। एक बेंच है ग्वालियर में जो 1968-69 में बनी थी, और दूसरी खंडपीठ है इंदौर में जो 1968-69 में स्थापित की गई थी। और भविष्य में भोपाल में भी एक बेंच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की प्रस्तावित है, बनने वाली, ठीक है। और जब मध्य भारत का गठन किया गया था, मध्य प्रांत का गठन किया गया था 1947 में, तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट नागपुर में बनाया गया था, जिसे 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में शिफ्ट किया गया। जबलपुर में थोड़ा सा और फैक्ट देख लेते हैं। जबलपुर की जो हाई कोर्ट बिल्डिंग का निर्माण है, वो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है सेठ हरगोविंद दास, उनके पिताजी गोकुल दास द्वारा कराया गया था, और इसके आर्किटेक्ट हैं हेनरी इरविन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बिल्डिंग जो है, इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो हेनरी इरविन है। और जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बना हुआ है वो काफ़ी कुछ यूरोपियन आर्किटेक्चर की स्टाइल में बना हुआ है, यानी गोथिक आर्ट का इसमें इस्तेमाल हुआ है, यूरोपियन आर्किटेक्चर स्टाइल का इस्तेमाल हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कुल स्वीकृत पद हैं 53, और जिसमें से एक चीफ जस्टिस और 34 अन्य न्यायाधीश फिलहाल कार्यरत हैं। ये मैं बिल्कुल आपको लेटेस्ट पोजीशन बता रहा हूँ, ये 13 फरवरी की स्थिति, 2022 की स्थिति में बता रहा हूँ। और फिलहाल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 18 पद खाली। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए जिस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है, ये वाला टॉपिक आमतौर पर प्री के लिए ज़्यादा यूजफुल है और न्यायिक व्यवस्था मेंस के लिए यूजफुल है। अलग अलग कोर्ट का जो सिस्टम है वो मेंस के लिए यूजफुल है। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जो बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बने। वे भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति भी दो बार बने। तो इनका विस्तार से अभी आगे की स्लाइड में हम देख रहे हैं, जो मोहम्मद हिदायतुल्ला हैं उनके विस्तार से अभी देखेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 27वें चीफ जस्टिस हैं जस्टिस RV मालीमत, और जो 14 अक्टूबर 21 से फिलहाल कार्यरत हैं चीफ जस्टिस हैं MP हाई कोर्ट के। और MV रमन्ना जो हैं, NV रमन्ना,
वो सुप्रीम कोर्ट के 48वें सीजीआई हैं, जो अब 24 अप्रैल 21 से कार्यरत हैं। ये थोड़ा मैंने कंपेरिजन कर दिया जिससे आपको याद रहे, एन बी रमन्ना। और मध्य प्रदेश की पहली महिला जो न्यायाधीश थी वो थी सरोजिनी सक्सेना, तो ये ध्यान रखिएगा। नियुक्ति, तो जजों की नियुक्ति के प्रमुख रूप से दो माध्यम हैं, एक राज्यपाल द्वारा 7 वर्ष तक की वकालत का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को न्यायाधीश के लिए नियुक्त किया जाता है, जिला न्यायाधीश के लिए, और दूसरा तरीका होता है एमपीपीएससी की जो जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम होता है उसके माध्यम से। तो आमतौर पर इसी जुडिशियल सर्विस के ही माध्यम से इनकी नियुक्ति होती है। राज्यपाल द्वारा बहुत ही रेयर रेयर केस में ही किसी व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल 60 ईयर तक। अब देखते हैं वर्गीकरण किस तरह के हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में विभिन्न न्यायालय हैं, उनकी स्थितियाँ देखते हैं। तो संभागीय स्तर पर सबसे पहले होता है फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट होता है, ये कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1985 के अधीन मध्य प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालय यानी संभागीय स्तर पर बनाया गया। देखिए फैमिली कोर्ट में प्रमुख रूप से किस तरह के केस आते हैं, तो यहाँ पर पारिवारिक न्यायालय, विवाह संबंधी, भरण पोषण संबंधी विवाद, पति पत्नी संबंधी विवाद, उनके बच्चों की कस्टडी संबंधित विवाद वगैरह, सब जो ये केस होते हैं ये प्रमुख रूप से आते हैं इस फैमिली कोर्ट में। यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो उद्देश्य होता है इस फैमिली कोर्ट का वो है विवाह नामक जो हमारी संस्था है, गरिमामय संस्था है, उसे बचाने का प्रयास इस न्यायालय का प्रमुख उद्देश्य है कि विवाह को विच्छेद ना करें, तलाक ना दिया जाए, बल्कि उसे बचाने के प्रयास किए जाएं। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो पारिवारिक न्यायालय होते हैं, फैमिली कोर्ट होते हैं, उनके निर्णय के विरुद्ध अपील केवल हाई कोर्ट में ही की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत विस्तार से और अच्छी तरह से आपको याद रखना है कि इन कोर्ट का उद्देश्य विवाह संस्था को बचाना है। चलिए फिर इसके बाद जो दूसरे तरह का कोर्ट है जिले स्तर पर, वो होता है जिला और सत्र न्यायालय। तो जिला और सत्र न्यायालय मध्य प्रदेश के सभी जो 52 जिले हैं उनमें जिला और सत्र न्यायालय बने हुए हैं जिनमें जिला न्यायाधीश होता है। ये जिले न्यायाधीश में प्रमुख रूप से दीवानी और फौजदारी संबंधित जो मुकदमे होते हैं उनको देखा जाता है, उनके मामले सुने जाते हैं। ठीक है, जब न्यायालय में दीवानी मामले सुने जाते हैं तो जो न्यायाधीश होता है जिला न्यायाधीश कहलाता है, और जब वो फौजदारी संबंधित मुकदमे सुनता है तो उसे सत्र न्यायाधीश यानी सेशन जज कहा जाता है। तो इस तरह से जिले स्तर पर जिला और सत्र न्यायालय होते हैं। फिर देखिए एक और इम्पॉर्टेंट न्यायालय होते हैं ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय से जुड़े हुए क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पूछे जा चुके हैं। तो ग्राम न्यायालय का गठन किसी एक क्षेत्र की 10-12 ग्राम पंचायतों को मिला के किया जाता है। ठीक है, और न्याय करने वाले सदस्यों की संख्या लगभग 7 होती है। तो ग्राम न्यायालय में 20,000 से तक के मामले या 2 वर्ष तक की सजा जो होती है वैसे मामले सुने जाते हैं। और मध्य प्रदेश का पहला जो ग्राम न्यायालय है वो 26 जनवरी 2001 को नीमच के झांतला में बनाया गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है प्री के लिए। मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय 26 जनवरी 2001 को नीमच के झांतला में बनाया गया, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट। और फिलहाल मध्य प्रदेश में 219 ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं। विशेषता क्या है इनकी? विशेषता है ग्राम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की ही नहीं जा सकती। देखिए उद्देश्य क्या है कि गांव में आपसी विवाद कम हो और समझौते के माध्यम से ग्राम न्यायालय में निर्णय हो। तो जब एक बार समझौता ही हो गया तो फिर विवाद कहाँ बचा? तो फिर इसीलिए यहाँ पर जो दोनों संबंधित पक्ष होते हैं उन संबंधित पक्षों को इस बात के लिए एग्री कर लिया जाता है पहले ही कि भैया जो भी निर्णय होगा, जो भी निर्णय किया जाएगा उसके खिलाफ आप कोई भी अपील नहीं करेंगे, वैसे भी नहीं की जा सकती तो करेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर समझौते को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में जो पहला ग्राम न्यायालय है वो 2 अक्टूबर 2009 को बनाया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद अन्य तरह का कोर्ट देखते हैं। तो फिर एक और कोर्ट है, वो है फास्ट ट्रैक कोर्ट। तेज गति से, त्वरित गति से मुकदमों का फैसला करने के लिए बनाए गए ऐसे मुकदमे जो 2 वर्ष से अधिक लंबित हों और 1 अप्रैल 2001 को मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्टों की स्थापना की गई थी। फिलहाल 85 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत हैं मध्य प्रदेश में। यहाँ पर ध्यान रखिए कि इसमें प्रमुख रूप से
कई ऐसे फास्ट ट्रैक होते हैं कोर्ट, जो विशेष मामलों को देखने के लिए, सुनने के लिए बनाए जाते हैं। विशेष तौर पर रेप संबंधित मामलों को सुनने के लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं लोक अदालतें। तो देखिए, लोक अदालतें भी प्रमुख रूप से आपसी समझौते के माध्यम से विवादों को हल करने के लिए, सौहार्दपूर्ण तरीके से विवादों को हल करने के लिए, समझौते के माध्यम से हल करने के लिए बनाई जाती हैं। इनमें विवादों में दोनों पक्ष के बीच जो उत्पन्न विवाद होता है, उसे मध्यस्थता, सौहार्दपूर्ण तरीके से, समझौते के तरीके से हल करने की कोशिश होती है। और यहाँ पर जो कंप्रोमाइज़ है, आपसी समझौता है, उसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है। और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1978 की धारा 19 में लोक अदालतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अगेन, यहाँ भी विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ पर भी समझौता हो रहा है, सौहार्द बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर है लोक अदालत का। चलिए, फिर इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये है मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस रहे हैं। थोड़ा सा इनसे बारे में फैक्ट देख लेते हैं। ये एक बहुत ही बड़े न्यायशास्त्री, विद्वान, शिक्षाविद, लेखक और भाषा वैज्ञानिक थे। एमपी हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस भी रहे। ये भारत के भी सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस बने थे। फिर भारत के दो बार कार्यकारी राष्ट्रपति भी बने और एक बार भारत के उपराष्ट्रपति बने। तो इतने वर्सटाइल इनका लाइफ रही है। थोड़ा सा देखते हैं तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इनका जो कार्यकाल रहा है, वो तो अभी आगे हम विस्तार से देखेंगे ही। चीफ जस्टिस के रूप में CJI सुप्रीम कोर्ट में इनका जो कार्यकाल था, वो 25 जनवरी 68 से 16 दिसंबर 70 तक रहा और ये 11वें चीफ जस्टिस थे भारत के। फिर पहली बार ये भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति बने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। क्यों बने? क्योंकि जब वो चीफ जस्टिस के पद पर कार्यरत थे, उसी दौरान 3 मई 1969 को भारत के उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। इसके बाद उपराष्ट्रपति वीवी गिरी कार्यकारी राष्ट्रपति बने, लेकिन कुछ समय पश्चात वीवी गिरी ने दोनों पद, कार्यकारी राष्ट्रपति और कार्यकारी उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया और वे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए। तो ये पद खाली हो गया। तो फिर ये चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, उनको ये पद कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में दिया जाता है संविधान के अनुसार, तो फिर वो कार्यकारी राष्ट्रपति बन गए। सेकंड टाइम फिर उन्हें एक बार मौका मिला 1982 से 6 अक्टूबर 82 से 31 अक्टूबर 82 तक वो पुनः भारत के एक बार कार्यकारी राष्ट्रपति रहे, लेकिन इस समय वो कार्यकारी राष्ट्रपति रहे क्योंकि वे उस समय के उपराष्ट्रपति थे। तो उपराष्ट्रपति पद पर होने के कारण वे कार्यकारी राष्ट्रपति दूसरी बार बने। 1982 में कारण क्या था? 1982 में ज्ञानीजेल सिंह मेडिकल उपचार के लिए अमेरिका गए थे, तो उस समय फिर ये कार्यकारी राष्ट्रपति बने थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। फिर उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक, यानी फुल टर्म छठवें उपराष्ट्रपति के रूप में पूरा किया। तो ये बहुत बढ़िया सा इनका कार्यकाल है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो टिपिकल प्री के फैक्ट हैं, वो देख लीजिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के और मध्य प्रदेश के ऐसे व्यक्ति और चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस बने, उनको एक बार देख लीजिए। तो 11th चीफ जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट के मोहम्मद हिदायतुल्ला 1968 से 70 के बीच में, और ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे 1956 से 1958 के बीच में। फिर 27वें चीफ जस्टिस बने JS वर्मा 97 से 98 के बीच में, और ये 10वें चीफ जस्टिस बने थे MP हाई कोर्ट के 1986 से 86 के बीच में, और इनका बर्थ प्लेस भी सतना MP है। फिर 47वें चीफ जस्टिस बने हैं शरद अरविंद बोबड़े 2019 से 21 के बीच में, और ये 21वें चीफ जस्टिस थे MP हाई कोर्ट के 2012-13 में, और 35वें चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के RC लाहौटी जी 2004-05 में। ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहे, लेकिन इनका बर्थ प्लेस गुना मध्य प्रदेश है। तो ये है जानकारी मध्य प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था की। उम्मीद है ये उपयोगी जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आगे भी मैं निरंतर आपके लिए ऐसी ही उपयोगी जानकारी लाता हूँ।